तो आज 17 अगस्त 2021 तो संत आसाराम जी बापू के स्वास्थ्य को लेकर एक खबर आ रही है, स्वास्थ्य समाचार 16 अगस्त 2021। तो ये मैसेज संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद द्वारा ये ऑफिशियली मैसेज है। स्वास्थ्य समाचार 16 अगस्त 2021, पूज्य श्री के स्वास्थ्य की जेल में जांच हुई थी। उस रिपोर्ट में यूरिन में इन्फेक्शन पाया गया था। उसकी आगे की जांचों के लिए आज दोपहर में जोधपुर एम्स अस्पताल में पूज्य श्री को ले जाया गया था। एम्स में पूज्य श्री का यूरिन कल्चर, सोनोग्राफी, एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाया गया। तत्पश्चात पूज्य श्री को शाम को जोधपुर जेल वापस ले जाया गया। पूज्य श्री का उपचार जेल के डॉक्टरों, डॉक्टर अरुण त्यागी और डॉक्टर राघवन जी की दवाइयों द्वारा चल रहा है। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर राघवन जी और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बताकर रिपोर्ट के अनुसार पूज्य श्री का उपचार किया जाएगा। तो ये मैसेज संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद द्वारा ये ऑफिशियली मैसेज है। 16 अगस्त 2021 का ये ऑफिशियली मैसेज है संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद द्वारा। तो इस बीच लगातार मतलब संत आसाराम जी बापू के करोड़ों भक्त, हिंदूवादी संगठन और संत समाज की ओर से एक मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए हैं, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए।